हेलो एवरीवन, सो मच अवेटेड क्रैश कोर्स फॉर 10th ICSE। ठीक है जी, विल ट्राई टू कवर द होल सिलेबस, वी विल कवर द होल सिलेबस, बट यस एज सून एज पॉसिबल, ताकि आप लोग जो है फटाफट से अपने रिवीजन कर सको। सो आई विल, मैंने इसको क्रैश कोर्स को आई हैव डिवाइडेड इट इनटू फेजेस। आई विल टेक वन चैप्टर ईच। वी हैव ऑल टुगेदर 8 चैप्टर्स। आई एम अगेन टेलिंग यू, नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स इज वन चैप्टर, पार्ट ए एंड बी। सो इट्स नॉट 9 चैप्टर्स, इट्स 8 चैप्टर्स। सो यू हैव ऑल टुगेदर 8 चैप्टर्स। आई विल टेक अप वन चैप्टर ईच। आज आई विल एक्सप्लेन यू अ फ्यू थिंग्स एंड इन अवर नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू 2 सैंपल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एवरी चैप्टर। ये हर एक चैप्टर के लिए, दैट मीन्स ऑल टुगेदर आई विल बी मेकिंग 8+8 वीडियोज, 8 इन वन वीडियो, 1-8 विल डू द चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एवरीथिंग। एंड इन अवर सेकेंड वीडियो आई विल टेक 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर रिपीटेडली कमिंग इन वन वे और द अदर। ठीक है जी, सो विल स्टार्ट विद सेल डिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेन एवर वी स्टार्ट अ चैप्टर, द फर्स्ट थिंग वी मस्ट नो इज व्हाट आर द टॉपिक्स विच वी नीड टू फोकस ऑन। सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, हम अब क्रैश कोर्स ले रहे हैं, हम अब रिवीजन कर रहे हैं, सो यू डोंट हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग वंस अगेन। यू शुड स्टिक टू द टॉपिक्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो द फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम द पोर्शन सेल डिवीजन इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस, मियोसिस। अब बेटा इसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं? दे वोंट गिव यू डिफरेंस लिख दो। नो, व्हाई आई एम सेइंग डिफरेंस, द क्वेश्चन कैन बी इन टू वेज। इन वन मार्कर दे कैन आस्क यू द डिफरेंस, मे बी गिव वन डिफरेंस, और दे कैन आस्क यू लाइक फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड इन मियोसिस। तो इफ यू हैव लर्न द डिफरेंस यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन ऑल्सो। सो दिस टॉपिक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ डिफरेंस इन योर बुक। इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू लर्न दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वाई? बिकॉज फ्रॉम दिस वन वन मार्कर क्वेश्चन आर हेयर एंड देयर इन द पेपर। फाइन, द नेक्स्ट वेरी 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 डॉट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द स्टेजेस। ठीक है, आई विल मेंशन दिस टॉपिक हियर ऑन दिस अदर साइड, द स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। क्यों मैं इसको यहां पे मेंशन कर रही हूं? बिकॉज इट इज अ श्योर शॉर्ट 5 mark क्वेश्चन। ये क्वेश्चन विल बी देयर इन योर पेपर, स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। दे वोंट आस्क यू टू मेक ऑल द स्टेजेस, दे विल गिव यू वन स्टेज एंड देन दे विल आस्क यू 5 questions and 5. You all must have given your pre-boards. I think your teachers must have given you this question from the stages because this cannot be missed. Ye aana hi hai. So my suggestion is aaj hi, today itself, take up your book and draw all the stages one by one. And now when you are drawing the stages, I'll mention here, stages ke saath ek cheez bahut important jo aapko learn karni hai, important features अबाउट ईच एंड एवरी स्टेज। जनरली देखो, ये 5 marker में भी चांसेस ऑफ मेटाफेज इज मैक्सिमम। मैक्सिमम टाइम्स द स्टेज विच इज गिवन इन द पेपर इज मेटाफेज। मैक्सिमम टाइम यही वाला स्टेज होता है एंड दे आस्क यू टू ड्रॉ। अब इसी क्वेश्चन में 2 चीजें कवर हो जाती हैं। वन इज दे आस्क यू टू आइडेंटिफाई द स्टेज एंड द सेकेंड इज दे आस्क यू टू ड्रॉ द स्टेज। 2 conditions हैं, प्रायर आफ्टर। बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं, प्रायर का मतलब ही नहीं पता। प्रायर मीन्स पहले, पी फॉर प्रायर, प्री फॉर पहले। सो बिफोर, so before metaphase or after metaphase. Now here also there is one confusion, late banaye early banaye, make late phase please, this is metaphase, you have to make a stage prior, you have to make prophase, you will draw late prophase and write it as prophase, late or early mention nahi karna hai please. After, you are making after, you have to make anaphase, ठीक है, लेट वाला, बट यू विल मेंशन ओनली एनाफेज, यू विल नॉट से लेट और अर्ली। सो योर कंफ्यूजन आई थिंक हैज बीन क्लियर्ड हियर। वेरी इंपॉर्टेंट 5 marker क्वेश्चन, द स्टेजेस। नाउ द नेक्स्ट पार्ट और द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम हियर इज योर सेल साइकिल। सेल साइकिल,
सेल साइकिल में वी हैव G1, G2, S फेज, G0 फेज, वी हैव मल्टीपल फेजेस, M फेज. यू हैव टू लर्न द होल सेल साइकिल. देर इज अ पिक्चर गिवन इन योर बुक फॉर सेल साइकिल. प्लीज डू दैट पिक्चर, प्लीज लर्न दैट पिक्चर. वो पिक्चर में ही सारे आंसर्स है. All the answers, all the one marker answers which can be framed are there in the picture itself. You don't have to go anywhere else. ठीक है? उसके बाद we have certain definitions here. We have certain definitions like synapses. Synapse. What is synapses? Synapse होता है बेटा when the neurons they are placed together. Synapses is when the chromosomes during crossing over are placed, this joining together. Fine. So these are a few definitions which are there in your book. You cannot miss on them. ठीक है? In the description I have given you playlist for the whole syllabus. I will also add the playlist chapter or unit wise. Like cell division ka alag playlist hai, circulatory and all the chapters, there is a separate playlist for all the chapters. So I'll add in the description. Start from first topic, go to the last. I have numbered the videos as 1, 2, 3, 4. Revise karo and then see where you stand. Most of the children, they ask for worksheets. Hame worksheets de do, hame written material de do. We give us notes, give us study material. I've already told you that I have launched an app. App mein everything is available. Some free and some paid material. Please, the link of the app is given in the description. You can click on the app. You have to register. You can see whatever is there. If it's good for you, you can have it from there. You want, आप बहुत बच्चों ने बोला location wise हमें बता दीजिए all the locations, name the followings, all the everything is there in the app. You can go, click and get it from there. So this was all about the chapter cell division. Most important topics, the 110% coming 5 marker and the types of questions, that the definition is other than the structural question which is going to be there in your paper. For worksheets, for written material, for study material, please go to the link of the app and you can register and get it from there. Thank you so much. Keep liking, sharing, subscribing.